नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज 5 अगस्त के मौसम के बारे में बताने जा रहा हूं। IMD मौसम रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कुछ जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी, कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी। तो आइए जानते हैं कहां का रहेगा क्या हाल। औरंगाबाद जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं कटिहार में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। एक या दो तूफान भी आ सकते हैं। वहीं बात करें किशनगंज में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में एक तूफान आने की संभावना है। वहीं बात करें अगर गया जिले की, तो गया जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। साथ ही आकाश में बादल छाए रहेंगे, धूल और हल्की बारिश भी हो सकती है। गोपालगंज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है। छपरा जिले में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए होंगे और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बताई जा रही। जहानाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कभी कभी बारिश और एक तूफान भी आ सकता है। वहीं दरभंगा जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। एक या दो तूफान आने की संभावना है। नालंदा जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पटना जिले में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्णिया जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश होने की संभावना है। फारबिसगंज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, यहां भी गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बक्सर जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है। वहीं बेगूसराय में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कुछ हिस्सों में तूफान आ सकता है। भागलपुर जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है। भोजपुर जिले में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। यहां भी कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है। वहीं मधुबनी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं मधेपुरा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कभी कभी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। मुंगेर जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी, हल्की बारिश होने की भी संभावना बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी, बादल छाए रहेंगे। मोतिहारी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं अगर बात करें राजगीर की, तो राजगीर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। साथ ही साथ बादल छाए रहेंगे। रोहतास में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। यहां धूल भरी हवा चलेगी। वहीं लखीसराय में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। यहां कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना बताई जा रही है। शिवहर जिले में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है। शेखपुरा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। समस्तीपुर जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। यहां एक या दो आपातकालीन बौछारें होने की संभावना बताई जा रही है। सहरसा जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। यहां भी एक या दो तूफान आने की संभावना है।
सारण जिले में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी, बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। सीतामढ़ी जिले में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी, यहाँ एक या दो तूफान आ सकता है। सिवान जिला में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी, यहाँ भी एक या दो तूफान आने की संभावना है। सुपौल जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी, सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।